हाय स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन इन एवरी डे लाइफ का ये थर्ड चैप्टर ले आए हैं आप लोग का दो चैप्टर का वीडियो चला गया है कम्युनिकेशन इन एवरी डे लाइफ इसका मतलब कम्युनिकेशन के नाम ही हैं एक दूसरे के साथ क्या करना कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ क्या करना बातचीत करना इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन इन एवरी डे लाइफ का दो चैप्टर का चला गया ये आपका देखिए चैप्टर नंबर कितना है थ्री आ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आ बहुत आसान चैप्टर है सादे स्टूडेंट जो भी चैप्टर गया है सभी को देख कर कॉपी में आप लोग नोट कर लो ठीक ना और ये भी चैप्टर के कॉपी में नोट कर लो क्योंकि एग्जाम में जो आने वाला है ना हंड्रेड परसेंट यही रहेगा दूसरा आपका नहीं रहेगा इसीलिए अभी से ही अच्छा से पढ़ लो ताकि एग्जाम में कहाँ से पूछेगा बस कॉपी से ही पूछेगा एक एक पॉइंट देखिए हम आपको डील कर रहे हैं बुक से बताएं गेस्ट पेपर से नहीं बता रहे हैं इसीलिए देखिए बुक से पढ़ने से एक बेनिफिट होता है बुक से पढ़ने से एक क्या प्रॉफिट होता है क्योंकि कहाँ से पूछेगा बुक के अंदर से और वही यदि बहुत लोग गेस पेपर से पढ़ाता है उससे क्या होता है कि यदि गेस पेपर नहीं लाया तो कहाँ जाओगे इसीलिए कभी भी पढ़ाई करते समय बुक को प्रीफर करना चाहिए ताकि यदि हम पूरा बुक पढ़ लेते हैं तो पूछने वाले कहीं से पूछे नो डाउट चलिए कोई टेंशन नहीं होगा तो कम्युनिकेशन इन एवरी डे लाइफ का ये चैप्टर नंबर थ्री है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का कितना चैप्टर है चैप्टर नंबर तीन है चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर देखिए स्पीकिंग स्किल चैप्टर का क्या नाम है स्पीकिंग स्किल ध्यान से देखिएगा स्पीकिंग स्किल में सब चीज़ आता है देखिए पहले आपको टॉपिक थोड़ा बता दें स्पीकिंग स्किल मतलब क्या होता है एंड ओवरऑल देखिए ओवरऑल मतलब क्या होता है बोलकर मौखिक ओवरऑल मतलब क्या होता है स्पीकिंग स्किल मतलब मुंह से बोल कर किसी को बताना जैसे वहाँ बैठा हुआ है बोले इधर सुनो ये काम करो वो का काम काम करो हम उसके सामने वाले व्यक्ति के साथ कुछ बातचीत हमने किया ओरली रूप से इसको oral, देखे, speaking, देखे, मतलब ओरल देखिएगा स्पीकिंग देखिए एंड ओरल प्रजेंटेशन मतलब मुँह से बोल कर एंड ओरल प्रजेंटेशन ऑल्सो नोन एज पब्लिक स्पीकिंग इसी को क्या बोलेंगे ओरल प्रजेंटेशन ऑल्सो नोन एज पब्लिक स्पीकिंग और सिंपली देखिए और सिंपली प्रजेंटेशन किसी को क्या बोलते हैं सिंपली प्रजेंटेशन जैसे हमको किसी से बातचीत करना है तो सिंपल बोल दिए मुँह से बोल दिए किसी से पूछना है कि खाना खाए हो हम बोले खाना खाया है या आप खाना खाए हैं देखे फट से बोल दिए सिंपल है जो ओरल कम्युनिकेशन है जो मुँह से बोलने वाली जो बात है बहुत सिंपल है कोई भी आदमी फट से बोल दे लेकिन वही बोले थोड़ा मैसेज कर दो तो ऊपर नीचे देखें छोड़ा मैसेज क्या करेंगे या वही बात को बोले थोड़ा लेटर पर लिख के दो तो अरे छोड़ो नो बाद में होगा लेकिन जब मुझसे बोलना हो फट 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 कोई देख देखते कोई बोलना शुरू कर देता है बिना मतलब के देखिए यही आपको बोला एंड ओरल प्रेजेंटेशन प्रजेंटेशन ऑल्सो नो पब्लिक स्पीकिंग और सिंपली प्रेजेंटेशन ओरल प्रेजेंटेशन जो होता है ना एकदम से सिंपल होता है बोलने में आसान होता है देखिए कंसिस्ट ऑफ एंड इंडिविजुअल देखिए कंसिस्ट ऑफ एंड इंडिविजुअल ग्रुप और ग्रुप वाइवलींस ऑन ए प्रैक्टिकल टॉपिक देखिएगा क्या बोला कंसिस्ट ऑफ ऑन एंड इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप वैबली मतलब होता है बोलकर वैबली एड्रेसिंग एड्रेसिंग ऑडियंस ऑडियंस मतलब क्या होता है जिसके साथ आप कम्युनिकेट करें ऑडियंस ऑन ए प्रैक्टिकल टॉपिक आगे देखिएगा द एम ऑफ दिस इज टू एजुकेट हम किस, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो मुँह से बोलते हैं टोटल चीज बोर्ड पर लिखते भी हैं और लिखने से ज्यादा मुंह से बोलते हैं लिखने से ज्यादा हम लोग क्या बोलते हैं बोलते हैं से बोलते हैं तो देखिएगा द एम ऑफ दिस इज टू एजुकेट यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इंटरटेन कोई आदमी मनोरंजन करवाता है तो लिख लिख के थोड़ी मनोरंजन करवाता है बोल के ही मनोरंजन करवाता है देखे इंटरटेन और पजेंट ऑर्गूमेंट्स ये सारे स्टूडेंट को सबको समझ में आ गया स्पीकिंग मतलब होता है बोल कर किसी से बातचीत करना किसी के बातों को सुनना किसी के बातों को समझना उसको रिप्लाई देना इसको बोलते हैं स्पीकिंग स्किल सबको स्पीकिंग स्किल समझ में आ गया ना किसी को कोई डाउट है जितना हमने अंडर अंडरलाइन किया इस सभी को आप लोग उतार लिया करो चलिए अगला पॉइंट चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए ऑडियो विजुअल एड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग याद कर लेना एग्जाम में आपको आएगा इसको आई आए कह लो आई मतलब होता है इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है ऑडियो विजुअल एड्स देखिए ऑडियो विजुअल एड्स मतलब क्या होता है ऑडियो मतलब होता है सुनना ऑडियो मतलब क्या होता है सुनना और विजुअल मतलब होता है देखना इसका मतलब होता है सुनना Osionfish. इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब होता है देखना इसका इसका मतलब होता है सुनना इसका मतलब क्या होता है देखना समझ आ गया देख कर सुन कर समझना इसका पूरा मतलब क्या है देख कर सुन कर समझना देखते हैं हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट में तब देखता भी है इधर भी देखता है अब मेरे बातों को सुनता भी है मेरे ऊपर देखता भी है मेरे बातों को सुनता भी है तब तो जाके यहाँ पर समझता है समझ आ गया तो देखिए ऑडियो भिजुअल एड्स मतलब होता है सुनकर देख कर समझना कोई दिक्कत चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर ये पॉइंट में तो किसी को कोई डाउट नहीं ना है सारे स्टूडेंट को सबको क्लियर समझ में आ गया ना चलिए ये पॉइंट आप लोग सब को सबको क्लियर हो गया ना ऑडियो मतलब क्या होता है सुनना और विजुअल मतलब क्या होता है देखना इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट को सुनकर और देख कर समझना कोई दिक्कत चली देखना स्टार्ट कीजिए बहुत आसान है ऑडियो विजुअल एड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल भी बोलते हैं देखिए ऑडियो ऑडियो लिटरली मीन्स हियरिंग देखिए हम अभी आपको यही समझाएं ऑडियो मतलब होता है सुनना किसी भी चीज़ को सुनना ये समझा गया ऑडियो लिटरली मींस हियरिंग ऑडियो मतलब क्या होता है किसी को बातों को सुनना एंड विजुअल मीन्स डेट विच इज फाउंड बाई फाउंड बाई सीन विजुअल मतलब क्या होता है देखना विजुअल मतलब क्या होता है देखना आगे के सो ऑल सच एड्स विच वे वेयर टू मेक द नॉलेज नॉलेज टू अस थ्रू आवर सेंस ऑडियो विजुअल एड्स बोला सिंपली आपको क्या बोला है कि किसी भी चीज को किसी भी चीज को देखकर सुनकर और उसको समझने के प्रयास करते देखिएगा सो ऑल सच एड्स देखिए इंडवियर मतलब होता है प्रयास करना इंडिया मतलब क्या होता है आपका प्रयास करना मतलब किसी भी चीज को देख कर सुनकर और उसको समझने के प्रयास करना देखिए सो सो ऑल सच एड्स इन डी वर टू मेक द नॉलेज क्लियर टू अस थ्रू आवर सेंस हम लोग नॉलेज को कैसे समझते हैं किसी के बातों को कैसे समझते हैं अपने सेंस के द्वारा आ कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स और इसी को क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल कोई दिक्कत नेक्स्ट पॉइंट चलिए यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे चलिए अब आगे देखिएगा देखिए टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स हमने जितना बताया आप लोग कॉपी में नोट कर लो इतना ही आपको काम का चीज़ है वो अलग से पढ़ने के कोई आवश्यकता नहीं है देखिएगा टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स देखिए इसका जनरली तीन टाइप होता है ऑडियो विजुअल एड्स का कितना टाइप होता है तीन आप लोग का एग्जाम में आएगा इधर जाना इंपॉर्टेंट है सब ये ऑडियो विजुअल एड्स का कितना टाइप होता है तीन ऑडियो एड्स विजुअल विजुअल एड्स 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 ऑडियो ऑडियो समझ में देखिए तीन टाइप होता है टोटल हमने बताया ना टोटल कितना टाइप होता है तीन पहला ऑडियो एड्स विजुअल एड्स ऑडियो विजुअल एड्स समझ आ गया पहला टॉपिक ऑडियो मतलब अभी अभी ने बताया था ऑडियो मतलब क्या होता है सुनना जो बात बोला सामने वाला व्यक्ति उसको बातों को हमने क्या किया सुना इसको बोलते हैं ऑडियो एड्स देखिएगा दीज एड्स आर यूज फॉर लिसनिंग लिसनिंग मतलब क्या होता है लिसनिंग मतलब होता है किसी को बातों को सुनकर समझना आप लोग याद रखना हियरिंग अलग होता है आप लोग हमेशा माइंड में बैठा कर चलो देखो हियरिंग अलग होता है या लिसनिंग अलग होता है हियरिंग मतलब होता है सिंपल सुनना लिसनिंग मतलब होता है सुनकर समझना गया ना तो देखिएगा तो इसका मतलब क्या होता है सुनकर समझना ऑडियो एड्स मतलब क्या होता है सुनकर समझना देखिए दीज एड्स आर यूजफुल दीज एड्स आर यूज फॉर लिसनिंग ये किस लिए यूज किया जाता है समझने के लिए समझ आ गया आगे दिस इज दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बोला कि कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट जैसे एग्जाम्पल में देखो रेडियो रेडियो को हम लोग थोइे देखते हैं खाली सुनते हैं रेडियो कान तक लगा लिए रेडियो को खाली सुना जाता है उसको देखा समझ आ गया देखे रेडियो टैप रिकॉर्डर टैप रिकॉर्डर को थोइे देखते हैं खाली कान में सटाकर सुनते रहते हैं समझ आ गया अगला पॉइंट देखिए ग्रामोफोन समझ आ गया ये सब आपका है ना ये सब का उपयोग किसके लिए होता है आपका केवल सुनने के लिए ये जितना भी एग्जाम्पल दिया है सबका उपयोग केवल बस आप लोग दो तीन गो एग्जाम्पल लिख लेना ये रेडियो हो गया टैप रिकॉर्डर हो गया इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं ग्रामोफोन हो गया अनेकों चीज़ आप लोग ये भी जो शॉर्ट शॉर्ट नाम है जो जल्दी याद हो जाए उसको खाली नोट कर लेना ऑडियो कास्टेड प्लेयर लैंग्वेज लेबोरेटरी जो सिंपल सिंपल नाम है इसको केवल आप लोग क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं समझ में आ गया ना चलिए ये आप लोग सभी को ऑडियो एड समझ में आ गया किसी भी बातों को सुनकर समझना किसी भी बातों को सुनकर क्या करना समझना समझ आ गया ये भी याद कर सकते हैं लेंगू फोन मतलब होता है एक क्या बोलते टैपे रिकॉर्डर का जैसा होता है जिसको भी सुनकर क्या किया जाता है समझा जाता है लेकिन आप तीन चार को केवल याद कर लो एक इसको याद करना टैप रिकॉर्डर लैंग्वेज लेबोरेटरी याद कर लेना एक ऑडियो कास्टेड देखिए ऑडियो कास्ट प्लेयर दो तीन को बस खाली याद कर लेना क्योंकि लिखते समय एग्जाम्पल लिखना जरूरी है नहीं याद होता तो कम से कम दो गो याद कर लेना ऑडियो और टैप रिकॉर्डर ये आपका किसका एग्जाम्पल है ऑडियो एड्स का ये ऑडियो एड्स का मतलब किसी के बातों को सुनकर या किसी के आवाज़ को सुनकर समझना अगला पॉइंट देखिए विजुअल एड्स हमने अभी अभी बताया है विजुअल एड्स मतलब होता है देख कर समझना देखना देख कर उसको समझना इसका मतलब होता, होता है सुनकर समझना इसका मतलब देख कर समझना आगे देखिए दीज एड्स कैन बी यूज विजुअली ये कहाँ पर यूज होता है विजुअली मतलब देखना देखने में यूज होता है देखिए दीज एड्स प्ले प्ले एंड फैक्टिव पार्ट इन कम्युनिकेशन ये भी बोला कि कम्युनिकेशन में एक इफेक्टिव पार्ट प्ले करता है जैसे देखा था चार्ट चार्ट को हम लोग कोई भी जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सा हम चार्ट बनाते हैं तो चार्ट देख कर समझा जाता है चार्ट ब्लैंक एंड वाइट बोर्ड समझा दे चार्ट हो गया ब्लैंक एंड वाइट बोर्ड जैसे हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं तो स्टूडेंट इस, इस पर देख कर समझता है ना सबको समझा गया आगे देखें मैप मैप को भी क्या क्या जाता है देख कर समझा जाता है पिक्चर पिक्चर को भी हम लोग क्या करते हैं देख कर समझते हैं कोई दिक्कत यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है चलिए अगला पॉइंट चलते हैं थर्ड नंबर देखिए थर्ड नंबर क्या है ऑडियो विजुअल एड्स थर्ड नंबर क्या है ऑडियो विजुअल एड्स इसका मतलब होता है देखना इसका मतलब आपको देखिए क्या होता है सुनना देखना समझना सुन कर देख कर समझना इसका मतलब है इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को सुनकर देख कर समझना कोई दिक्कत बहुत अच्छा अगला पॉइंट देखिए दीज एड्स आर वेरी मच इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आगे देखे दीज आर एल सी डी प्रोजेक्ट देखिए पहले एल डी एक प्रोजेक्ट आता था पहले क्या बोलते पहले एल सी डी एक आता था कैसेट उसको लगा के हम लोग देखते थे आराम से महाभारत चले आए रामायण चले आए उसमें देखता पिक्चर भी था आवाज भी था एल सी जो पहले कैसेट के जैसा आता था जिसको इंसान लगा के देखता था उसमें दोनों रहता था एक पिक्चर भी रहता था और आवाज़ भी रहता था समझ में आ गया देखो एल पिक्चर फिल्म प्रोजेक्ट समझ में आ गया दूसरा एग्जाम्पल है टी वी टीवी में खाली पिक्चरें होता है कि उसमें आवाज़ भी आता है आप ये लोग घर में जाते हो तो टीवी शुरू कर दिए इंडिया का मैच शुरू है तो खाली बैटिंगे देखते हो कि उसमें से आवाज़ भी आता है या कोई मूवी शुरू कर दिए तो मूवी में खाली माधा होता है या दौड़ होता है उसमें से आवाज़ भी आता है उसमें से क्या आता है आवाज़ भी आता है देखिए टीवी हो गया कंप्यूटर कंप्यूटर में भी दोनों होता है पिक्चर भी होता है आवाज़ भी होता है समझ में आ गया आप लोग को ना देखो भी सी डी प्लेयर हो गया ये सम, सब सबको समझ आ गया मल्टीमीडिया हो गया है सब ये आपका टाइप समाप्त हो गया ठीक ना बाकी जो वीडियो जाएगा ना नेक्स्ट क्लास में आप लोग का जाएगा सादे स्टूडेंट वीडियो देखने बाद कॉपी में नोट कर लिया करो इसके अलावा किसी में दिक्कत हो या कुछ भी हो आप लोग हमको जदू मेंशन करना कमेंट में कमेंट में मैसेज करो हम कोशिश करेंगे कि आपको सुधार दे ठीक है ना कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में मेंशन करो या आपको यदि वीडियो समझ में नहीं आए ये तो आपको तीनों पार्ट समझ में आ गया इसका मतलब सिंपल होता है सुनकर सुनना इसका मतलब देखना और इसका मतलब होता है सुनना और देखना दोनों इसका मतलब केवल सुनना इसका मतलब होता है देख कर समझना इसका मतलब क्या होता है सुनना देखना मतलब सुन का देख कर समझना तीनों टाइप आपका हो गया जितना भी स्टूडेंट है जितना हमने बताया ये चैप्टर नंबर कितना है तीन देख कर आपको एक एक करके माइंड में बैठा लो और जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके पास शेयर करो और आप लोग लाइक भी करना शेयर भी करना ताकि हम लोग इतना परिश्रम करें उसका कुछ तो बेनिफिट हो जाए देखिए हम लोग दिन भर क्लास लेते हैं शाम में वीडियो बनाते हैं तो आप लोग जरूर आप लोग का भी कुछ हेल्प चाहिए चलिए ठीक सभी को थैंक यू